होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। आज हम लोग 40th डे ऑफ लॉकडाउन में हैं एंड वी बीन कनेक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस ऑलमोस्ट पास्ट 45 डेज। एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैड क्वेरी, और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनकी भी अपने अपने क्वेरीज थे दैट हाउ शुड वी स्टार्ट, व्हाट शुड बी द अप्रोच। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस वी कैन मीट ऑन अ रेगुलर बेसिस, हम लोग मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट टुडे वी कैन ओनली मीट इन द ऑनलाइन मोड। पीपल आर स्ट्रक अक्रॉस वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री एंड हेंस इट इज इम्पेरेटिव ऑन आर पार्ट टू अंडरस्टैंड दैट इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर विल हैपन द शो मस्ट बी ऑन, द प्रिपरेशन मस्ट कंटिन्यू एंड दैट शुड बी द फाइनल ऑब्जेक्टिव। So before starting, I'll just tell you a little bit about myself. I'm Pramod Singh. I've been mentoring the aspirants. Mr. 10 saalon se main bachcho ko padha raha hu, guide kar raha hu. My journey has, you know, the entire process has been not more than almost 12-13 years. My system is a process se juda hua hu. First as an aspirant and then as a mentor. So 2011 se I've been constantly in touch with aspirants, and today in online and offline mode, more than 300 students are there in our institute. Now this is a period where this is a most apt time to start preparation. जो आपका मई का महीना होता है, जून का महीना होता है, इस टाइम में प्रिपरेशन आपकी एक्चुअली स्टार्ट होती है। वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एस्पिरेंट इज टू गेट थिंग्स ले डाउन एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन प्रोसेस, और उसके बारे में स्टेप बाई स्टेप हम बात करेंगे। Now, जितने भी aspirants हैं, they must be targeting examination next year. 2021 होगा या at the max 2022 होगा। There are two kind of aspirants जो इस वक्त preparation start करते हैं, एक जो next year देना चाहते हैं, and then the college students जो शायद 2 साल बाद graduate होंगे या 3 साल बाद graduate होंगे, वो लोग पढ़ना चाहते होंगे। Naturally, सबकी जो strategy या study plan होनी चाहिए वो अलग अलग हो सकती है। Today we live in an age of technology, so we have plethora of information. We have website, we have videos, toppers, you know, there are people who have written a lot about preparation. But kuch bhi ho, basics will remain the same. Every aspirant, I personally believe that every aspirant in India jo is taiyari ko sochta hai, shuru karne ki ka, you know, plan karta hai, this examination is different than like others. एक बहुत सारा कॉमन मिसकंसेप्शंस है। फर्स्ट आई टॉक अबाउट मिसकंसेप्शंस एंड देन वी विल टेक इट फर्दर। एक जो कॉमन मिसकंसेप्शन है प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ, वो ये है कि एक एग्जाम बहुत टफ है, ये एग्जाम यू नो मे बी आपको 10 घंटा या 12 घंटा पढ़ना होता है, ये एग्जामिनेशन यू नो विल रिक्वायर यू टू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, आपके सोशल कॉन्टैक्ट जीरो हो जाने चाहिए। वेल, ये एग्जाम बहुत अलग है, इट्स डिफरेंट, एंड हेंस प्रिपरेशन का जो एफर्ट होना चाहिए, जो डायरेक्शन होना चाहिए, उसका तरीका बहुत अलग है। एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम यू नो इज देयर बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा यू नो रोट मेमोराइजेशन और मैथमेटिकल और यू नो एनालिटिकल्स मैथमेटिकल स्किल्स में ज़्यादा फोकस करता है, साइंस मैथ्स। दिस एग्जामिनेशन ऑन द कंट्री इज अबाउट बैलेंस, इट्स अबाउट अवेयरनेस, इट्स अबाउट वॉट इज गोइंग अराउंड यू, इट इज अबाउट नोइंग इंडिया। Now we all are the citizens of India, we all know. But as a citizen of India, don't you think that we should have a good understanding of country in general? Ye examination wahi chahta hai. Let's talk about step by step that how you should be starting the preparation. First thing first, jo pehla objective kisi bhi aspirant ka hona chahiye, wo ye hona chahiye ki mujhe taiyari karni hai. I have to be clear on that. मेरे माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ हेजी थॉट, देर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, देर शुड नॉट बी एनी सेकेंड थॉट, बिकॉज दिस इज अ मैराथन। जब आप ये प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो तो यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट यू नो 2 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, ये मिनिमम है। 1 साल इन द फर्स्ट ईयर यू विल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, बिकॉज सिलेबस वास्ट है एंड हेंस इट रिक्वायर्स गुड लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस लेवल, और प्रिपेयर्डनेस लेवल अच्छे करने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है। द सेकेंड पार्ट इज द एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है, एग्जाम देने वाला है, दैट इट सेल्फ स्टार्ट एंड ऑलमोस्ट कंटिन्यूज फॉर 10 मिनट्स।
इनफैक्ट नोटिफिकेशन से लेके जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें ऑलमोस्ट यू कैन से 15 टू 16 मंथ्स का पीरियड लगता है. तो यू कैन इमेजिन द एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑफ इज ऑफ 1 ईयर. आप तैयारी 1 साल करते हो यानी मिनिमम 2 साल का आपको तैयारी करनी है. दैट इज सेट. हाउएवर व्हाट हैपेंस बिकॉज यू नीड टू आस्क अ बेसिक क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन कि मुझे क्या करना चाहिए जो बाकी लोग कर रहे हैं या बाकी लोग नहीं कर रहे हैं. How you know you we come across a situation that a college graduate has just pass out hua exam ki taiyari kari exam and one go mein sab kuch nikal gaya and age of 21 22 you are IAS in India and you know obviously 5-7 years mein I have seen multiple such examples. My own students who have cracked in one go, they have become civil servants. Then on the contrary there are other crowd, a crowd hai jo taiyari karta hai. They are not putting, it's not that they are not putting hard work, wo effort nahi kar rahe hain. But it takes them years. Many a times, 2 साल, 3 साल में prelims नहीं निकलता है. And they get, and they, you know, blame the situation, they blame the luck, they blame the UPSC, they blame themselves. And the entire, you know, cycle of negativity, vicious cycle of negativity starts. Now, we need to identify what are the differences between the people who are preparing और पहले गो में निकालते हैं. What are the elements where they are more effective? और दूसरा एस्पेक्ट है कि भी उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है. तो पहला तो मेंटली हैव टू बी रेडी. फर्स्ट पॉइंट कि आप तैयारी करने के लिए आप मेंटली तैयार हो एंड यू हैव टू रेडी टू इन्वेस्ट 2 years ऑफ लाइफ. अगर आप 20 के हो तो 22 में आप सर्विस में जाओगे. इफ यू आर ऑफ 19 देन आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के जस्ट बाद एग्जाम टारगेट कर सकते हो. एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जहां ग्रेजुएशन के साथ लोग तैयारी करते हैं. दैट इज अ वेरी गुड ट्रेंड बिकॉज यू स्टार्ट अर्ली. And early advantage is something that you are able to capitalize. College has sada padhai karte ho and you are able to crack it. Then also there are people who start, you know, after graduation, won't look up. But only thing is that they have to sit and study for the whole time. Irrespective of situation, jo bhi ho, preparation mein jo hamara objective hona chahiye ki mujhe exam dena hai. 32 years mera age limit hai. I have 6 attempts in general category. And vice versa, OBC, SC, ST ke attempt aur number of attempts wo vary karte hain. But वंस यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे तैयारी करनी है तो यू शुड टेल योरसेल्फ दैट आई नीड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 2 years ऑफ माई लाइफ एंड बिलीव मी इट्स वर्थ इट. अगर आपने इस ईमानदारी से इस 2 साल का टाइम आपने प्रिपरेशन को अपने इन्वेस्ट कर दिया यू टेक इट फ्रॉम मी यू कैन टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग दैट यू विल फाइंड अ गुड जॉब फॉर योरसेल्फ. अब मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ. आपको 2 साल ईमानदारी से आपने दे दिया यू विल फाइंड बिकॉज यूपीएससी इज नॉट ओनली अबाउट और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जामिनेशन या फिर यू नो अदर एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट 24 सर्विसेज जो इस एग्जाम से जुड़ी हुई हैं. बट इट इज अबाउट अ होलिस्टिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल. यू डेवलप योरसेल्फ, यू डेवलप योर एबिलिटी. आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है, आपका जजमेंट लेवल डेवलप होता है. तो अगर आपने ईमानदारी से 2 साल तैयारी करी है बिलीव मी यू विल फाइंड योरसेल्फ एट सम प्लेस. पिछले 10 सालों में मेरे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्रैक भी किया है. बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, अच्छे एस्पिरेंट्स हैं. For some reason, they are not in civil services, but they have found themselves a good government job at some other place. Maybe at state level, they are state PCS mein job kar rahe hain. Maybe at you know RBI mein jo hai wo job kar rahe hain. Maybe you know EPFO mein ya you know CAPF mein job kar rahe hain. And all are class 1 services. To kehne ka matlab ye hai ki taiyari aap karoge to the options will open automatically because UPSC is about holistic development of an individual. Pehli part. You have to be mentally ready. Mentally तैयार हो गए, आपको 2 साल का टाइम देना है. The second part is कि आपकी जर्नी का प्रोसेस क्या होना चाहिए. How should you start? Because that is the most basic question. And moment आप तैयारी का सोचते हो, then you go to the market and you bring some you know n number of books. आप उसको stack करना start कर दोगे. And you will start studying randomly. You know maybe x y z. किसी ने किसी topic का video देखा या किसी individual ने बताया, तो आपने कहीं से भी start कर दिया. Now let's make it step by step. The first rule of the preparation is कि आप जब भी तैयारी का प्लान करोगे तो पहला पार्ट होगा दैट यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी एंड प्लान. विदाउट स्ट्रेटजी एंड प्लान द एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते हो. दिस इज विद सर्टेनिटी आई एम टेलिंग यू. दिस एग्जामिनेशन इज अबाउट एक्सटेंसिव प्लानिंग, अ मेटिकुलस एफर्ट, अ कंसिस्टेंसी इन द यू नो एंटायर प्रोसेस एंड एट द सेम टाइम अ कॉन्स्टेंट रीवैल्यूएशन ऑफ योरसेल्फ की चीजें कैसे मूव हो रही है. सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के 3 लेवल होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. मुख्य परीक्षा, सॉरी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार. तो ये 3 लेवल जो है आपको देने पड़ते हैं और ये हर लेवल की अपनी एक रिक्वायरमेंट है.
बट यू वुड स्टडी फॉर दिस एग्जामिनेशन एज अ होलिस्टिक प्रोसेस. हम सेग्रीगेट तैयारी नहीं करेंगे. एक कॉमन मिसकंसेप्शन और कॉमन यू नो मिस्टेक स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स मोस्टली मेक कि वो ये सोचते हैं कि भाई हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, मेंस की तैयारी नहीं करते हैं. ऐसा नहीं होता. वंस यू प्रिपेयर इट हैज टू बी होलिस्टिक. द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. यूपीएससी का सिलेबस को समझने की कोशिश करिए. मैं इस लेक्चर के बाद, इस वीडियो के बाद, मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा जहाँ पे आपको सिलेबस डिटेल में आपको मिलेगा. व्हेन यू रीड द सिलेबस, ट्राई टू बी वेरी यू नो थरो इन टर्म्स ऑफ रीडिंग. उसको आप ढंग से पढ़िए. अगर आप सिलेबस को ईमानदारी से पढ़ोगे, यू विल फाइंड दैट अ मेजर पोर्शन ऑफ द सिलेबस इज फोकसिंग ऑन जनरल स्टडीज. 1750 अगर हम मेन्स की बात करते हैं या फिर 200 प्रीलिम्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स तो पूरा पूरा जनरल स्टडीज पे निकलता है. एप्टीट्यूड टेस्ट जो है क्वालिफाइंग होता है. जो मेंस का एग्जाम है, जो मुख्य परीक्षा है, उसमें 1750 मार्क्स आर ऑफ मेंस एंड आउट ऑफ दैट 1000 मार्क्स जीएस के हैं एंड 250 मार्क्स एसए के हैं, व्हिच मींस 1250 मार्क्स आउट ऑफ 1750 मार्क्स कैन बी इजीली एट्रिब्यूटेड टू द एस्पेक्ट ऑफ जनरल स्टडीज. यानी जनरल स्टडीज एरिया से आपके 1750 से 1250 के मार्क्स जो है उसका वेटेज है. एंड देन कम्स द ऑप्शनल, जो कि मेंस एग्जामिनेशन आपको देना होता है. मेरा आज का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो मैं आपको एज अ बिगिनर अगले 6 महीने या अगले 5 महीने या अगले 3 महीने आपको क्या करना चाहिए, दैट विल डिस्कस. बेसिक्स ऑफ दिस प्रिपरेशन जो सबसे आप स्टार्ट करोगे, पहले तो यू विल हैव अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस. सिलेबस क्या है, व्हाट इज यूपीएससी सिलेबस. जब यूपीएससी सिलेबस को आप ढंग से यूज करोगे, पढ़ोगे, रीड करोगे, यू विल फाइंड दैट यूपीएससी इज अबाउट नोइंग इंडिया. यूपीएससी चाहता है कि आप इंडिया को जानो. इंडियाज इकॉनमी, इंडियाज हिस्ट्री, इंडियाज ज्योग्राफी, इंडियाज कल्चर, इंडियाज यू नो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इंडियाज चैलेंजेस, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया के अंदर जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, साइंस एंड टेक में हो या एनवायरनमेंट के फील्ड में हो या कहीं भी हो, यू हैव टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडिया. एंड गुड अंडरस्टैंडिंग मीन्स टू द लेवल ऑफ 12th, एनसीईआरटी लेवल तक हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. बिकॉज वी विल टेक बेस एज एनसीईआरटी. यूपीएससी का जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो एनसीईआरटी जिसके बेस पे बनाई जाती है, वो एनसीईआरटी हमारा बेस होना चाहिए. नाउ एनसीईआरटी बेस का मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी से ही आपका पेपर आएगा. एनसीईआरटी विल हेल्प यू डेवलपिंग द बेसिक्स एंड फाउंडेशन ऑफ ए प्रिपरेशन. जब आपके एनसीईआरटी के बेसिक्स डेवलप हो जाएंगे, देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल, जहां पर आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि हम अपने यू नो उन सब्जेक्ट्स में, अगर एनसीईआरटी के लेवल तक कुछ गैप है जो कि और फिल करने की जरूरत है, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएंगे. सो द फर्स्ट इज थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस. सिलेबस इज अबाउट नोइंग इंडिया. अब पहला सवाल, ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, आप पूछिए अपने आप से, मुझे ये यूपीएससी का सिलेबस इंडिया को क्यों जानने की बात करता है. व्हाई शुड वी नो इंडिया? बिकॉज यू आर गोइंग टू सर्व इंडियन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, एंड द लिस्ट गोज ऑन. तो जितनी भी सर्विस है उसमें सब में इंडियन लगा हुआ है. दैट मीन्स यू हैव टू नो इंडिया. इंडिया की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए. अगर इंडिया की जानकारी आपकी अच्छी नहीं है, तो आप एग्जाम में शायद उस लेवल पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे. सिलेबस के 3 लेवल है, प्रीलिम्स एंड मेंस. अभी का हमारा फोकस प्रीलिम्स एंड मेंस पे होगा. नाउ व्हेन यू रीड द सिलेबस ब्रॉडली, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स, उसमें करीब 7-8 एरियाज जो हमारे पढ़ने के लिए होते हैं. एंड इन मेंस यू नो न्यू एरियाज लाइक इंडियन सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, कुछ ज्योग्राफी में कुछ एक्स्ट्रा एरियाज ऐड हो जाते हैं. तो यानी मोटा मोटी आप कह लीजिए कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो मेंस के सिलेबस का ऑलमोस्ट यू कैन से 70-75% होता है. यानी अगर टोटल सिलेबस है मेंस, मेंस विल बी द मेन सिलेबस, हम सिलेबस मेंस को ही मानेंगे. आउट ऑफ विच द एरियाज विच विल कम इन प्रीलिम्स, वो आप मान लीजिए लगभग 75% होता है. 25% आपको एक्स्ट्रा जो है पढ़ना होगा जो मेंस के सिलेबस के लिए स्पेसिफिकली होगा. सो आर ऑब्जेक्टिव इन द फर्स्ट लेवल शुड बी द फोकसिंग ऑन दोज एरियाज जो प्रीलिम्स और मेंस में जो सब सिलेबस कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकॉनमी, इंडियन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी इन जनरल, हिस्ट्री, हिस्ट्री अगेन एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, देन यू नो साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड करंट इश्यूज. तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम इन सिलेबस को समझें और इनमें क्या क्या पढ़ना चाहिए. अगेन एज आई मैंशन, एनसीईआरटी शुड यू नो बी एट द बेस ऑफ प्रिपरेशन. आप एनसीईआरटी को बेस लेके चलिए. बट यहाँ भी एक कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने देखा है, अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे, सो एक कॉमन एक क्लिशेड स्टेटमेंट एस्पिरेंट्स को सुनने या देखने को मिलता है दैट 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आप फॉलो कर लीजिए. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम हियर. इफ यू गो थ्रू ऑल द एनसीईआरटी फ्रॉम 6 टू क्लास 12, यू आर रीडिंग मोर देन 40 एनसीईआरटी. मोर देन 40 यानी 40 से ज्यादा एनसीईआरटी आपको कवर करना है. नाउ अगेन हियर आई हैव अ प्रॉब्लम.
बिकॉज नॉट ऑल द एनसीईआरटीज आर रेलेवेंट. बहुत सारी एनसीईआरटीज के जो इन्फॉर्मेशन है फैक्ट है वो रिपीटेटिव हो जाते हैं, या आप ये कह सकते हो कि वो बुक्स मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट. सो लेट्स आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वाइज की कौन कौन सी एनसीईआरटीज हमें कहाँ कहाँ पढ़नी है. तो जो पहला एनसीईआरटी हमें पढ़ना है वो हम लिस्ट वाइज जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी में हम सिर्फ मे बी 3 या 4 एनसीईआरटीज पढ़ेंगे. 9th की एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, 10th की एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, 11th की एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, सिर्फ 3 मे बी. अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, सो अगेन 9, 10th, 11, 12 सिर्फ 4 एनसीईआरटी पढ़नी है. आई विल नॉट रीड 6, 7, 8, मैं एनसीईआरटी को पूरा पूरा स्किप कर सकता हूँ. इफ आई हैव टू गो थ्रू ज्योग्राफी, 11, 12 की एनसीईआरटी सफिशियंट है विद सपोर्टिंग बेस फ्रॉम 9, 10. नाउ व्हाट आई एम टेलिंग हियर इज दैट आउट ऑफ 40 एनसीईआरटीज 20 एनसीईआरटीज ही ऐसी हैं, 20-21 एनसीईआरटीज डिपेंडिंग ऑन आपका बैकग्राउंड क्या है, जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगी. और बाकी जो एनसीईआरटीज है अगर आप उनको पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं मिलेगी, बट ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, यानी आपने एक्स एफर्ट किया और उसी हिसाब से आउटपुट मिल रहा है, वो शायद उन एनसीईआरटी से कम है. सो आई हैव टू रीड दोज एनसीईआरटीज विच आर रेलिवेंट फॉर द कॉम्पिटिशन. तो ऐसी हम 20 एनसीईआरटीज की लिस्ट बनाएंगे जो मुझे पहले पढ़नी चाहिए. बाकी एनसीईआरटीज आई कैन पुट इट एट द सेकंड प्रायोरिटी, या हम आखिर में देख लेंगे वंस आई हैव टाइम. तो एनसीईआरटीज हम प्रिपरेशन हम एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करेंगे. दूसरा, एनसीईआरटीज कैसे पढ़ेंगे, बिकॉज एक अगेन यहाँ पर कॉमन प्रॉब्लम है. स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को पढ़ते हैं उनको लगता है कि एनसीईआरटी ने रीड कर ली, काम खत्म हो गया. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जामिनेशन इज अबाउट डेवलपिंग योर थॉट प्रोसेस, डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इश्यूज. दिस इट्स अबाउट, इट्स नॉट अबाउट अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. ये किताब, ये सब्जेक्ट जो है या फिर एग्जामिनेशन आपको फैक्चुअली डेटा अपलोड करने के लिए नहीं कहता है, इन्फॉर्मेशन अपलोड करने के लिए नहीं कहता है. डेटा इन्फॉर्मेशन प्रिपरेशन के प्रोसेस में ऑलरेडी आपको जानकारी उसकी मिल जाएगी, बट दैट शुड नॉट बी द मेन ऑब्जेक्टिव. द आइडिया इज टू डेवलप योर थॉट प्रोसेस, द आइडिया इज टू डेवलप द क्लैरिटी ऑफ द इश्यूज, द आइडिया इज टू नो थिंक एनालिटिकली. अगर आप इकॉनमी पढ़ रहे हो तो आपको इकॉनमी दिखाई देनी चाहिए. If you are able to, if अगर आप पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका यू नो फ्लो, उसका यू नो एवोल्यूशन आपको पता होना चाहिए. सो वंस यू आर रीडिंग द एनसीईआरटीज, एनसीईआरटीज हेल्प यू इन बिल्डिंग दैट बेस. एनसीईआरटी आपको बहुत ईजी सिंपल लैंग्वेजेस में आपको कंसेप्ट समझाते हैं. एनसीईआरटी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है. स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने से पहले जब एनसीईआरटीज आप पढ़ लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन का जो बेस है वो डेवलप हो जाता है. कुछ लोग एनसीईआरटीज नहीं पढ़ते हैं, दे स्विच डायरेक्टली टू स्टैंडर्ड बुक्स, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है. तो फर्स्ट इज एनसीईआरटी, उसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिनको आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं. द सेकंड लेवल, न्यूज़पेपर रीडिंग, करंट अफेयर्स. अगर आप प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन पढ़ते हो तो यूपीएससी का एक क्लियर कट उनका एक स्टेटमेंट एक आता है, वो कहता है दैट वी आर लुकिंग फॉर अवेयर ग्रेजुएट. हम लोग को ऐसे ग्रेजुएट चाहिए जो अवेयर हो, जिनकी जानकारी हो, जिनके पास सब्जेक्ट की जानकारी हो, जिनको ये पता हो कि हमारे इकोनॉमी में क्या चल रहा है, हमारे हमारे अराउंड व्हाट इज हैपनिंग इन आर सोशियो इकोनॉमिक मिलियू या सोशल मिलियू में क्या चल रहा है. सो दे एक्सपेक्ट यू एट दैट लेवल. यानी आपको सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है, आपको बुक पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, और साथ साथ आपको कंटेम्प्रेरी लेवल पे अराउंड क्या क्या चल रहा है उससे आपको लिंक भी करना है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने इकॉनॉमी पढ़ा, यानी इकॉनॉमी में आपने नेशनल इनकम पढ़ा. नेशनल इनकम इज अबाउट कैलकुलेटिंग जीडीपी ऑफ द कंट्री, इंडिया की सब लोग की इनकम हम ऐड करते तो वो नेशनल इनकम होता है. तो आपने जब नेशनल इनकम पढ़ा, आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ नेशनल इनकम पढ़ना ही नहीं है, उसे कंसेप्ट ही समझना नहीं, आपको ये भी देखना है कि नेशनल इनकम इंडिया में कैसे चेंज हो रहा है, कैसे इवॉल्व हो रहा है, पिछले 10 सालों में नेशनल इनकम कैसे चेंज हुआ है, उसमें क्या कोई एनोमली है या एक स्ट्रक्चर या उसके अंदर कोई रैंडमनेस तो नहीं है, हमारी नेशनल इनकम और बाकी कंट्रीज के नेशनल इनकम में जो ग्रोथ का ट्रेंड है वो कैसा होना चाहिए, नेशनल इनकम हम क्यों पढ़ रहे हैं फॉर द फर्स्ट लेवल, व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इंडिया, व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री. बिकॉज इनकम ऑफ द कंट्री एक कंट्री के डेवलपमेंट का इंडिकेटर है, एक वन ऑफ द इंडिकेटर है. सो यू नीड टू आस्क दीज क्वेश्चंस, और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए. तो आपको फिर करंट पिछले 5 साल में या 10 सालों में हमारी जीडीपी कैसे इवॉल्व हुई है, उसमें चेंजेस क्या आए हैं, ग्रोथ कैसे चेंज हुई है, किन फैक्टर्स के कारण वो ग्रोथ नीचे गई है या ऊपर गई है, व्हाई इंडिया इज मे बी अ शाइनिंग एग्जाम्पल इन द होल वर्ल्ड, या फिर हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं. सो वंस यू रीड अ टॉपिक अ सब्जेक्ट यू हैव टू गो लिटिल इन द डेप्थ इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. पिछले 5 साल से जुड़े हुए चीजें पे देखना पड़ता है. जहां तक जनरल करंट अफेयर्स की बात है, सो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स आपको देखना पड़ेगा.
सो इवन इफ यू आर स्टार्टिंग टुडे एंड योर एग्जामिनेशन आपका अगले यू नो मे बी जून में है या मई में है, तो आपको मिनिमम 1 ईयर का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास और थोड़ा बैंडविड्थ है तो आप 1.5 साल की जो है करंट अफेयर आप देख सकते हो, बट मिनिमम 1 ईयर का करंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए। नाउ वेयर विल द करंट अफेयर्स कम फ्रॉम? करंट अफेयर का जो आने का जो एरिया है, स्टूडेंट्स का अगेन दे फील कि सब कुछ उनको पका पकाए मिल जाए, और फिर आप क्या करते हो, यू यू नो यू रेफर टू सम ऑनलाइन मैगजीन, योर ऑनलाइन सोर्स, या फिर बुक मटेरियल आपके अवेलेबल हैं, कोचिंग्स के होंगे या मैगजीन्स होंगे, आप उनको उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देते हो एंड यू फील कि यू नो प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट हो गई है। बट एक प्रॉब्लम है, ऑल दोज ऑनलाइन मैगजीन्स जो आपके सोर्सेज हैं, जो भी हैं आपके, ऑल दोज ऑनलाइन सोर्सेज जो हैं, दे आर, हम भी बनाते हैं, हमारे पास भी आई हैव अ टीम ऑफ सम 4-5 कंटेंट डेवलपमेंट टीम जो रेगुलर कंटेंट बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, ऑन मंथली मैगजीन्स बनाते हैं, एंड वी, बट मैं आई डू नॉट कंसिडर इट एज अ मेन सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स। मेरा ही मानना है कि मेन सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स आपका न्यूज़पेपर होना चाहिए। ये जो आपके मैगजीन्स हैं, जो सपोर्टिंग स्टफ आपको जो मिलता है, दे शुड कॉम्प्लीमेंट योर प्रिपरेशन प्रोसेस, दे शुड नॉट बी द मेन सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। अगर ये मेन सोर्स बन जाएगा तो प्रॉब्लम है, बिकॉज न्यूज़पेपर रीडिंग कैन नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, स्पेशली न्यूज़पेपर में आपको मैक्रो लेवल पे इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया के इश्यूज क्या हैं, जो भी सिलेबस आप अगर देखोगे ढंग से यूपीएससी का, तो जो भी सिलेबस में एरियाज मेंशन है, यू हैव टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट इश्यूज रिलेटेड टू दैट सिलेबस। जो भी करंट इश्यूज हैं उस सिलेबस में, सिलेबस से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उससे में करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है, यू हैव टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, एंड फॉर दैट यू हैव टू रेगुलरली यू नो रीड न्यूज़पेपर्स। तो पहली चीज एनसीईआरटी बेसिक लेवल पे पहला फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। द सेकंड स्टेप इज न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि हम पका पका आपको मैगजीन दे देंगे, नोट्स दे देंगे, बिलीव मी दैट विल नॉट वर्क, बिकॉज एज अ बिगिनर यू विल नॉट अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको एक किसी इंडियन इंडियन इकॉनमी पे मैं एक आर्टिकल लिख के देता हूँ, आप उसको पढ़ोगे विदाउट हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकॉनमी, या फिर आपको कुछ पता नहीं है, आप जनरल पढ़ोगे तो इट्स जस्ट अ फैक्ट। आप उसको मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, आप उसको लर्न करने की कोशिश करोगे, आप उसको फैक्ट वैक्ट डेटा रटने की कोशिश करोगे, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। एज आई मेंशन्ड, यू हैव टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, आपको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। तो पहला तो पार्ट है एनसीईआरटीज, जो कि हमको फॉलो करना होगा अगले 3 महीने तक। सेकेंड पार्ट इज द न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको स्टार्ट करना होगा, बट न्यूज़पेपर रीडिंग अगेन एकदम ईजिली नहीं आएगा। न्यूज़पेपर रीडिंग विल टेक सम टाइम, बिकॉज एज एन एस्पिरेंट आपकी शायद अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर में या करंट इश्यूज में इतनी नहीं रही होगी। अगर रही होगी तो थोड़ा आसान होगा, बट अगर आप न्यूज़पेपर पहली बार उठा रहे हैं, आपको इंडिया की इकॉनमी के बारे में पढ़ना है, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, इंडिया के पॉलिटी या गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है, इंडिया के शासन सुशासन राज व्यवस्था, इंडिया में क्या चल रहा है, तो उसके बारे में अगर आप डे 1 से आर्टिकल्स उठाओगे, एडिटोरियल्स पढ़ोगे, इश्यूज को फॉलो करोगे, तो शुरू में आपको दिक्कत आएगी, एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट फ्यू मंथ्स। आपको 1-2 महीने दिक्कत आएगी, इवेंचुअली यू विल बी एबल टू यू नो गेट फेमिलियर विद व्हाट इज हैपनिंग, और धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आपकी इंप्रूव होगी। तो शुरू में न्यूज़पेपर पढ़ने में जो है दिक्कत होगी, बट दैट इज कम्प्लीटली ओके। जैसे से आप, जैसे मान लो इकॉनमी पढ़ते हो, तो इकॉनमी कंसेप्ट जब आप पढ़ लोगे और साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे, तो आपको इकॉनमी से जुड़ी हुई जो भी करंट इश्यूज हैं आपको दिखाई देने लगेंगे, यू बी एबल टू सी देम एंड विजुलाइज देम, सो यू वुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम देन, बट शुरू में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, देर इज नो मैजिक वैंड हियर। मैंने कहा ना, यूपीएससी एक मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है, आपको धीरे धीरे रोज दौड़ना है। आप 2 दिन का खाना 1 दिन में नहीं खा सकते हो, 2 बार का खाना 1 दिन में नहीं खा सकते, 1 टाइम में नहीं खा सकते हो, तो सिमिलरली आप 2-3 दिन की पढ़ाई भी 1 दिन में नहीं कर सकते हो। तो आपको एक कंसिस्टेंट एफर्ट करना होगा, एक रूटीन में एफर्ट करना होगा, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो फर्स्ट इज द एनसीईआरटी जो आपका बेस होगा, द सेकेंड पार्ट इज द न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ, शुरू के 6-8 महीने 10 महीने आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद वंस यू रीच अ लेवल देन यू कैन फिल्टर, तब आप मैगजीन का सपोर्ट ले सकते हो, बट शुरू में बिल्कुल नहीं, इट इज अ कंप्लीट नो फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। द थर्ड लेवल इज नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड यूपीएससी अगेन, लेट्स कम बैक। UPSC is not only about studying, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप समझ रहे हो, आपने कहा एक analytical understanding develop हो गया, आपको issues समझ में आ गए, that is okay. But what is the next level? Can you help me to communicate the issue? If I say कि Indian economy पे, you know, let's assume जैसे COVID crisis चल रहा है, and if I say, you know, analyze the impact of COVID-19 in Indian economy in the coming few months, क्या impact पड़ेगा? इसके बारे में आप, you know, write 200 words का एक article लिखिए या एक ऐसे लिखिए
मे बी 100,000 वर्ड्स का, कैन यू डू दैट? बिकॉज यहां पर योर यू नो नॉलेज विल बी टेस्टेड, योर अंडरस्टैंडिंग विल बी टेस्टेड. अगेन एज आई मेंशन्ड, द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन इज अबाउट गुड कम्युनिकेशन. दिस एग्जामिनेशन इज अबाउट कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफ आपने इशू को समझ लिया है, आई वुड एक्सपेक्ट यू दैट इशू को समझिए और आप साथ साथ कुछ इशूज को आप यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट बेटर. इफ यू अगर आप 200 वर्ड में पूरे कोविड क्राइसिस के एनालिसिस कर पाते हो, नेचुरली यू नो उसमें परफेक्ट नहीं होगा बट दैट विल इम्प्रूव. सो सेकेंड थर्ड पार्ट ऑफ प्रिपरेशन विल बी आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है. एक और कॉमन जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, उनको लगता है कि पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम आंसर राइटिंग फोकस करेंगे. नाउ रिमेंबर, आंसर राइटिंग इज अबाउट स्किल्स. यूपीएससी एज अ प्रिपरेशन जो होता है वो स्किल्स डेवलप करने का एग्जाम है. स्किल क्या, कोई भी स्किल हो सकती है, राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंस स्किल्स, यू नो अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को समझने की स्किल. सो यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन जहाँ आपको लिखना होगा, जहाँ आपको बात करनी होगी. एक मान एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपको एग्जाम्पल देता हूँ. मान लीजिए आप यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो. अभी लॉकडाउन से पहले मैं पिछले 1.5-2 महीने में सिर्फ इंटरव्यू प्रोसेस में इन्वॉल्व था. इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज, डेफ एनालिसिस, मैंने मल्टीपल मोर देन 50 स्टूडेंट्स का मैंने 1-to-1 इंटरव्यू और मॉक एनालिसिस और डेफ एनालिसिस किया. वहां से वहां पे आपको एक क्वेश्चन पुट करेंगे एंड दे वुड एक्सपेक्ट यू टू आंसर इन 20 सेकंड्स. आपसे एक्सपेक्ट करेंगे 20-25 सेकंड में आप आंसर का जवाब दीजिए. एंड दैट आंसर शुड बी मीनिंगफुल, देर शुड बी अ क्लैरिटी ऑफ थॉट, यू हैव टू यू नो कम्युनिकेट विद गुड कन्विक्शन, एंड दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन. सो डोंट यू थिंक दैट प्रोसेस शुड स्टार्ट राइट अवे, वो आज से शुरू होना चाहिए. तो आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको उस इशू के बारे में अगर मैं लिखने को कहूँ, सो यू शुड बी एबल टू राइट इट बेटर. थर्ड इज उस इशू को आप अपने शब्दों में यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट एज वेल. एंड सो यू हैव टू मेक योर ओन इम्प्रिंट. स्टूडेंट्स को ये लगता है कि आंसर राइटिंग एक ऐसा पार्ट है जो हम बाद में कर लेंगे तो हो जाएगा. नहीं, एक आंसर राइटिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेशली राइटिंग स्किल्स, विल टेक सम टाइम. अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम पीपल टू पीपल. पीपल फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड विल हैव अ सर्टेन डिग्री ऑफ प्रॉब्लम. साइंस बैकग्राउंड के लोगों को डे वन से अगर आप कहिए कि जो है वो लिखना स्टार्ट करें या लिखें, तो उनको दिक्कत आएगी बिकॉज दे हैव नॉट बीन ट्रेन टू राइट. ऑन द कॉन्ट्री, ह्यूमैनिटीज वाले जब स्टार्ट करते हैं तो वो जरूर ज्यादा लिख देते हैं बिकॉज यूपीएससी इज नॉट अबाउट राइटिंग एनीथिंग और एवरीथिंग. यूपीएससी इज अबाउट राइटिंग व्हाट इज मीनिंगफुल, व्हाट इज रेलेवेंट, व्हाट इज कॉन्टेक्चुअल, एंड यू हैव टू राइट इन अ ब्रीफ एंड प्रिसाइज मैनर. एक शेक्सपियर की कहावत है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. यानी अपनी बातों को आप कम शब्दों में कम्युनिकेट कर पाते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट है. So UPSC is about brevity, it's about preciseness, it is about conciseness, it is about putting things across to the point. So our objective is not just this, our objective is also that we can communicate our stories. So you should start writing, or you should start working on your writing skills from day one. Yes, you will say, sir, if there is no knowledge in the beginning, then how do we write? But as the preparation, okay, you don't start day one, start 1 month later. आपने एनसीईआरटीज पढ़ी, सी द क्वेश्चन दैट आर देयर एट द बैक, उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आप रीड करिए. और जैसे आप हमारे यहाँ पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, एंड यू विल बी राइटिंग द क्वेश्चन, यू विल गेट मॉडल आंसर्स, एंड आपको फिर उसको आपको रेगुलरली करते रहना पड़ेगा. बिकॉज यूपीएससी इज नॉट ओनली अबाउट ब्रेविटी एंड प्रिसाइजनेस, इट इज ऑल्सो अबाउट टाइम मैनेजमेंट. बिकॉज एक टाइम के बाद आपको अपने आंसर्स को लिमिटेड टाइम में लिखना होगा. मेंस की बात करूं, सो इन मेंस यू हैव टू राइट सम 20-25 क्वेश्चंस ऑन एवरेज. आपको 20 से 25 क्वेश्चन 3 घंटे में लिखने होते हैं. एंड यू हैव टू राइट टू एवरेज 200 वर्ड्स इन एवरी क्वेश्चन. यानी 20 क्वेश्चन आपको 200 वर्ड, यानी यू कैन इमेजिन दैट यू हैव टू राइट सम 4000 वर्ड्स इन 3 आवर्स. 4000 वर्ड इन 3 आवर्स, एंड एक दिन में 2 पेपर होते हैं, विच मीन्स 4000 × 2, यू हैव टू राइट 8000 वर्ड इन 1 डे. आपके मेंस के एक दिन में 2 पेपर होते हैं, यानी आपको 8000 वर्ड्स एक दिन में लिखने की प्रैक्टिस के लेवल तक पहुंचना होगा टिल द फाइनल डे, द डी डे कम्स, आपको एग्जाम देना. सो राइटिंग स्किल का कोई बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं है. राइटिंग स्किल हैज टू बी डेवलप्ड. राइटिंग स्किल एक ऐसा स्किल है जो स्लोली डेवलप होता है, बिकॉज जब पढ़ोगे तो आपने समझ लिया. बट आई वुड से बेटा समझ तो गया, बट आप राइट एंड कम्युनिकेट इन योर ओन वे, बिकॉज अगेन द क्वेश्चन विल नॉट कम डायरेक्टली फ्रॉम बुक. क्वेश्चन जो है वो आपको क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड इन सच अ मैनर दैट दे वुड टेस्ट योर नॉलेज, योर इंटेलिजेंस, योर थॉट प्रोसेस, योर कम्युनिकेशन एबिलिटी.
तो वो सारी चीजें करेंगे, वो करंट से लेकर के आपको इशू में आपका व्यू या नहीं कोर्स करेंगे। दे माइट आस्क यू टू एनालाइज और क्रिटिकली एनालाइज करंट गवर्नमेंट स्कीम। दे माइट आस्क यू कि इंडिया की हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई है। दे माइट आस्क यू अबाउट कि व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एज पर यू, बिकॉज यू आर नॉट ओनली गोइंग टू बी अ लर्नर बट यू गोइंग टू बी थिंकर एज वेल। जब आप पढ़ाई करते हो तो यू आर अ लर्नर, यू आर अ स्टूडेंट, देन यू डेवलप योर सेल्फ एज अ थिंकर, देन यू डेवलप एज एन ओपिनियन मेकर। सो यू वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी एन ओपिनियन मेकर एज वेल। आपको अपने ओपिनियंस पुट करने होंगे, अपने थॉट्स पुट अक्रॉस करने होंगे। सो दैट इज वेयर इट हैज टू गो। सो फर्स्ट इज यू हैव टू फोकस ऑन, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, दैट यू हैव टू हैव अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस। अगले कुछ दिनों तक प्रिपरेशन में आप जहाँ भी आपको कोई प्राइवेट स्पेस है जहाँ पढ़ाई करते हो वहाँ पे सिलेबस को चिपका लो, उसको रेगुलर अगले दो महीने तक रीड करो, देखो। सेकेंड इज स्टार्ट विद एनसीईआरटीज, मेक अ लिस्ट ऑफ एनसीईआरटीज जो रेलिवेंट, जिसकी मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, उनसे आपको आप पढ़ना शुरू करिए। बट अगेन द फोकस ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी शुड बी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज, द कंसेप्ट, द टॉपिक्स। द थर्ड लेवल इज यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स को आप लिखना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए। शुरू में कुछ टाइम लगेगा बट इवेंचुअली अगर आप नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं, यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन मेकिंग योर ओन नोट्स इन द न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर के अपने छोटे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल डू इट ऑनलाइन एज वेल, बट आई एम अ ट्रेडिशनल पर्सन, आई बिलीव इन ऑफलाइन अप्रोच, बिकॉज इवेंचुअली आपको लिखना भी पड़ेगा। सो एवरी डे इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग स्मॉल नोट्स, इट विल वर्क फॉर यू। द नेक्स्ट लेवल वुड बी द फोकस ऑन इंश्योरिंग कि आपके जो नोट्स हैं उसको आपको कंसाइज करके, प्रिसाइज करके आपको स्ट्रक्चर तरीके से रखना पड़ेगा। सो आर नेक्स्ट यू नो ऑब्जेक्टिव शुड बी कि अपने नोट्स के साथ साथ उनको हम कोलेट करें, स्ट्रक्चर करें। एनसीईआरटी सिलेबस, एनसीईआरटी करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर मेकिंग एंड आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपको डे वन से स्टार्ट करना चाहिए, नहीं आप डे वन से कर सकते हैं, मे बी 15 days, 20 days, अ मंथ डाउन द लाइन उनको आप लिखना शुरू करिए। आफ्टर अ मंथ और सो, जब आपकी प्रिपरेशन या एग्जाम के प्रोसेस से फैमिलैरिटी आपकी जब डेवलप होगी, तो आपको अगला ये काम करना है दैट यू हैव टू रेफर प्रीवियस ईयर पेपर्स। मैं एज एन एस्पिरेंट पहले, देन एज अ मेंटर पिछले, एज आई मेंशन 12-13 साल, ऑलमोस्ट 13 ईयर्स इस प्रोसेस से जुड़ा हुआ हूँ। एंड इफ यू आस्क मी दैट हाउ डू आई नो अबाउट यूपीएससी सो मच, बिकॉज पहला चीज यूपीएससी का सिलेबस, सेकेंड इज द क्वेश्चन पेपर्स दैट हैव कम इन प्रीवियस ईयर। तो अगला जो लाइन में बात करूंगा वो मैं बात करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इफ यू वांट टू सी व्हाट एग्जैक्टली दिस कंपटीशन इज, यूपीएससी आपको एक्सपेक्ट करता है कि आप करंट जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स के और मेंस के, उनको थरली देखिए। वेरी गुड थिंग अबाउट यूपीएससी इन एग्जामिनेशन इज अबाउट कि एग्जामिनेशन बहुत ही ट्रांसपेरेंट और थरो है, एंड यूपीएससी इज वेरी यू नो क्लियर अबाउट कि हाँ ये सिलेबस है, ये पेपर इस तरह के आ रहे हैं, पिछले दस साल में 15 साल में पहले क्वेश्चन ऐसे आए हैं और आज ऐसे आ रहे हैं। सो यू हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, एंड यू कैन ऑल्सो मैप विद द कट ऑफ। यानी मान लीजिए आप इकॉनमी पढ़ते हो, सो वंस यू रीड इकॉनमी, आपने एनसीईआरटीज पढ़ना शुरू किया, आपने डेवलप किया, देन यू गो टू द स्टैंडर्ड बुक्स, आपने उनको पढ़ा, टॉपिक्स को पढ़ा, या फिर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया वहां पर कवर किया, द नेक्स्ट थिंग शुड बी दैट यू अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम आपने पढ़ा, सो आफ्टर रीडिंग नेशनल इनकम फ्रॉम एनसीईआरटीज एंड योर स्टैंडर्ड बुक और मे बी कोचिंग नोट्स, अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कि नेशनल इनकम में पिछले 10 साल में 15 साल में कितने सवाल आए हैं, और अगर आए हैं तो मेरे कितने निकल रहे हैं, वॉट इज माई स्कोर। बिकॉज ऑन एन एवरेज यूपीएससी का जो कट ऑफ होता है, इफ आई टेक अ ट्रेंड ऑफ पास्ट 5-7 years, सो यू कैन अज्यूम दैट जो कट ऑफ होता है वो अराउंड 50-55% के अराउंड होता है, विच मीन्स आपको 55-60% स्कोर करना पड़ेगा एवरेज हर पेपर में ऑफ द क्वेश्चन यू अटेम्प्टिंग। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दैट विल बी द सेकंड लेवल, यू नो नेक्स्ट थिंग दैट यू विल बी फोकसिंग। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमेशा आपको देखने पड़ेंगे, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर से ही आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपकी फिल्टर डेवलप होगी। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है वो भी वहीं से आएगा, बिकॉज न्यूज़पेपर में कई बार चीजें आपको लगेगा ये रेलेवेंट है ये नहीं है, बट वंस यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ठीक है, अब प्रीवियस ईयर पेपर कब तक का। सो नेचुरली अभी अगर हम स्टार्ट करेंगे तो कोई कहते कि 20 साल का पेपर देख लो, तो मे बी दैट विल बी टू मच। सो यू कैन डू वन थिंग दैट प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो प्रीलिम्स का एरिया है 2011 ऑनवर्ड्स आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, यानी 2011 से लेकर 2019, अभी 20 का आने वाला है, 20 तक मान लीजिए। सो 2011 से लेकर 2020 का आने वाला है, 2019 तक के पेपर्स आप देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट 900 क्वेश्चंस, इफ आई अज्यूम कि 2020 में भी अगले 2-3 महीने में हो जाएगा, तो 1000 क्वेश्चंस आपके पास प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के लिए होंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई 2011, बिकॉज 2011 से पैटर्न चेंज हुआ है।
उससे पहले पेपर का पैटर्न अलग था, 150 क्वेश्चन आते थे, जीएस में अब 100 आने लगे हैं, एंड क्वेश्चन का लेवल का यू नो भी थोड़ा उसमें काफी चेंजेस आए हैं. क्वेश्चन हैज बिकम द यूपीएससी पेपर्स हैव बिकम वेरी यू नो कंसेप्चुअल नाउ, दे आर नॉट फैक्ट बेस्ड. फैक्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर रहे हैं. कमिंग टू द मेंस एग्जामिनेशन, 2013 ऑनवर्ड जो भी आपके मेंस के पेपर्स हैं जीएस के, उनको आप देख सकते हैं. तो द नेक्स्ट लेवल इज दैट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको स्ट्रक्चर करिए, कोलेक्ट करिए. आप इंस्टीट्यूट में अगर आप एज स्टूडेंट हो तो आपको सारे पेपर्स आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज ईयर वाइज. सो दैट विल बी द नेक्स्ट लेवल, यानी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने पड़ेंगे. उसके अलावा अब क्या आप करोगे? अब ये एक टोटल एक अप्रोच है जो आपको होलिस्टिकली आपको फॉलो करना होगा इन अ नटशेल. देन यू हैव टू डेवलप अ प्लान. प्लानिंग एज आई मेंशन डे वन से होनी चाहिए. सो यू हैव टू हैव अ स्टडी प्लान. आपने सिलेबस को देखा, आपने डिसाइड कर लिया मुझे ऐसे पढ़ना है, मुझे एनसीईआरटी पढ़ना है, लिस्ट बना लिया. देन यू मेक अ वीकली, अपना एक स्टडी प्लान बनाइए, मंथली बनाइए, बट मिनिमम वीकली होना चाहिए. यू शुड हैव अ वीकली प्लान. वीकली प्लान में आप डिफाइन करिए दैट दिस इज व्हाट आई विल स्टडी. अब सवाल ही उठता है एक और कॉमन, एंड मे बी प्रॉब्ली लास्ट टू क्वेश्चन में लूंगा डिस्कस करूंगा कि मुझे कितना पढ़ना चाहिए. 10 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा. कुछ कहते हैं, कुछ लोग टॉपर्स पढ़ के आते हैं जैसे कि हम 12 आवर्स पढ़ते थे. नाउ लेट्स बी रियलिस्टिक. As I mentioned, ये exam skills का है. अगर आपने अपने skills पे काम किया है तो preparation is also about your skills. अगर आपकी पढ़ाई effective 4 घंटे में हो रही है, maybe your 4 hours is equivalent to maybe 6 hours of an average student. Your 8 hours could be you know maybe equivalent to 12 hours of an average student. So you also have to work on your effectiveness of your preparation process. तो आप कम पढ़िए, solid पढ़िए, वो focus होना चाहिए. Beginners के लिए I would expect 4 to 5 hours से आप start करिए, ठीक है? And that too 5 to 6 days a week. यानी आप 5 दिन से start करिए, फिर उसको 6 days करिएगा. 1 day should be break day. And that is I am telling you all the aspirant that एक दिन आप break बिल्कुल लीजिए, because examination is not only about you know slogging and putting a lot of effort. It's also about rejuvenating and giving yourself a little space. तो आप 4-5 घंटे से आप start कर सकते हो. Focus should be again मैं list करूँगा सारा. And सबसे पहले syllabus, NCERTs, newspaper reading. The fourth will be answer writing part, essays में भी जिसमें आप focus कर सकते हो. The fifth will be always map your preparation with the previous year question papers, जो भी subject पढ़ रहे हो उनके बारे में question देखिए, prelims as well as mains के. और आखिरी होगा जब आपकी चीज़ें improve होंगी, then you have to give tests. आप जिस institute में join करते हो, जहाँ भी पढ़ते हो, वहाँ regularly tests होने चाहिए. topic wise tests, module tests, sectional tests, test series, ये सारी चीज़ें रहेंगी. That eventually will happen probably 1-2 महीने के बाद वो process regular start होगा. तो ये ओवरऑल मोटा मोटी हमारा प्रिपरेशन का जो अप्रोच होगा दैट वी गोइंग टू कवर. एंड वन मोर थिंग, आज का सेशन मैं क्लोज कर रहा हूँ, बट लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, व्हाट वी ऑलवेज रिमेंबर, द पीपल हु स्टार्ट अर्ली, द पीपल हु स्टार्ट यू नो आर द पीपल हु बिकम विनर्स. एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और पढ़ रहा है. सो यू हैव टू स्टार्ट राइट अवे, डोंट वेट. एंड द पीपल हु स्टार्ट अर्ली विल ऑलवेज यू नो रीच देयर डेस्टिनेशन फर्स्ट. We are living in this crisis, amidst this lockdown crisis. Lockdown ho chahe na ho, ek aspirant ke liye uski life same rahegi. So don't give yourself an excuse ki is lockdown mein shayad main 2-3 mahine baad jab normalize hungi to taiyari main shuru karungi ya karunga. Nahi, mere examination graduation ke hone wale hain, jab ho jayenge tab hum karenge. Ab graduation exam September mein start agar honge aur ya session September mein shuru hoga to aap preparation September mein shuru karoge to that will be almost 5 months from now. Aur aap next year fir aap target nahi kar sakte. So you should start right away, today itself, aaj se hi aapka preparation start karna chahiye, the aspirant who are thinking about the preparation. So that is how the entire focus should be. And one more last thing, on Friday at 4 PM, I'll be taking a webinar session on the preparation strategy, especially jo online taiyari karte hain unke liye ek session rakha hua hai maine. And people, the interested student can contact my team and they can attend that lecture. वो 1.5 घंटे का lecture होगा, where I will be focusing on the detailed preparation strategy. क्या होना चाहिए, क्या work करना चाहिए, क्या नहीं work करना चाहिए, because ये जो video का duration है शायद 1/2 घंटा ही हो सकता है. So that is how I'll be completing. Always remember, adversity reveals genius. जो worst आपके जो tough time होते हैं, that they will bring the best in you. So let's go work on yourself, start your preparation, and believe me, you have that every element. UPSC एक ऐसा examination है which is great leveler. It has nothing to do with your background. यहाँ पर third class pass किए हुए लोग जो graduation में 40-45% लाए हैं, वो भी IAS बने हैं. And I've seen example who are top
जो टॉपर्स हैं अपने कॉलेजेस के वो लोग भी एग्जाम नहीं निकाल पाए, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन इज अबाउट नॉट ओनली अबाउट स्टडिंग, इट इज अबाउट अ होलिस्टिक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग यू एज एन इंडिविजुअल. आपका थॉट प्रोसेस, आपका नॉलेज लेवल, वी आर वर्किंग ऑन द एवोल्यूशन ऑफ एन नॉलेजेबल पर्सन, तो हमको उस पर काम करना. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस एंड फॉर लिसनिंग मी. यू कैन कॉन्टैक्ट, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम एंड यू कैन रीच आउट टू मी. सो टेक केयर एंड best of luck.